सभी समूह की दीदी को मेरा प्रणाम। प्रणाम दीदी। अरे मंजू, आप चुप क्यों है? कोई बात है क्या? क्या हुआ मंजू, मुझे बता। अध्यक्ष के नाते मैं तुम्हारी कुछ तो मदद कर ही सकती हूँ। अगर तू बोलेगी ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ है? क्या बताएं दीदी, कल मेरे पड़ोस के गांव में एक 5 साल के बच्चे का देहांत हो गया, जिसे प्यार से लोग बबलू बुलाते थे। ओ हो, पर ये सब हुआ कैसे? का कहें दीदी, बबलू धूप में खेल रहा था, अचानक खेलते खेलते गिर पड़ा, वह बेहोश हो गया। उसे उसका शरीर ऐंठने और थरथराने लगा। उसकी माँ उसे ओझा के पास लेकर गई झाड़ फूंक के लिए, लेकिन कुछ सुधार नहीं हुआ। तब उसे अस्पताल ले जाया गया, वहाँ डॉक्टर ने बोला, आपने बच्चे को यहाँ लाने में देर कर दी, बच्चे को चमकी बुखार हुआ है। हम बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश किए, पर माफ कीजिएगा, हम आपके बच्चे को बचा नहीं सके। यह तो बहुत ही दुखद घटना है दीदी, भगवान न करे किसी के परिवार के साथ ऐसा हो। दीदी, हमें ऐसा लगता है कि आज हमें चमकी बीमारी के बारे में ही बात करना चाहिए, जिससे किसी और दीदी का आज सुना ना हो सके। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आइए जाने की चमकी बीमारी क्या होता है और इससे बच्चे को होने से कैसे बचा सकते हैं। चमकी बीमारी, लोग इसे चमकी बुखार के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि मुझे प्रशिक्षण मिला था कि इसे सिर्फ 4 बातों पर ध्यान रखकर बचाया जा सकता है। पहला, पहचानने में देरी ना हो। दूसरा, बचाव में देरी ना हो। तीसरा, पहुंचाने में देरी ना हो। चौथा, पालन पोषण सही हो। यदि इन 4 बातों को हम समझ गए तो समुदाय में कभी किसी बच्चे की जान